सो हेलो गाइस, सो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है फेसबुक रिएक्टर यूनिक नेम कैसे एस्केप कराए। सो गाइस आप लाइव देख सकते हैं, इसके लिए आपको डबल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सर्च बार में आपको सेलेक्ट करना है mbasic.com mbasic facebook.com। सो गाइस अपन को दोनों टैब में mbasic.com सर्च कर लेना है, www.mbasicfacebook.com। सो गाइस आप लाइव देखेंगे आपके सामने फेसबुक लॉगिन वाला पेज खुल के आएगा, आपको दोनों टैब में यही ही सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद में आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। सो गाइस अभी देखो आपके सामने एम्बेसिक में ये खुल चुका है, अपन को यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेना है और सेकंड टैब में भी पासवर्ड एंटर कर लेना है। आप लाइव देख सकते हैं दोनों टैब में हमारा एक ही अकाउंट खुल के ओपन हो चुका है। सो गाइस ये सिंबल मेरे को एक बंदे ने ला के दिया था, वो बोला भाई मेरे को देवराज करके चाहिए, सो मैंने उसमें थोड़ा चेंजिंग किया, उसका नेम वगैरह चेंज करके मैंने सिंबल को एस्केप करवा दिया। अगर आपको भी यूनिक नेम बनवाना है किसी भी नेम से और किसी भी तरह का नेम, सो गाइस मैं आपका अकाउंट बना के दूंगा, आपका सिंबल एस्केप करा के दूंगा। मेरी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आप चाहो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको जैसा भी नेम एस्केप कराना है या बनवाना है मैं आपको बना के दे दूँगा। सो गाइस अपन को फर्स्ट में अपना स्निपर डालना है और लास्ट में अपना सिंबल डालना है। सो सिंबल डाल दिया फर्स्ट नेम में और थर्ड नेम में, फर्स्ट नेम में अपने स्निपर डाला और लास्ट नेम में अपने सिंबल डाला। सो गाइस और सेकंड टैब में अपन को प्रूफ का रियल नेम रख लेना है जिससे अपन ने अपडेट पे भेजी थी, और लास्ट में आपको दो या तीन कैपिटल लेटर डाल लेने हैं। सो गाइस आपको एक सेकंड के अंदर अंदर दोनों टैब सबमिट कर देने हैं। सो गाइस हमारा ये टैब थोड़ा दिक्कत दिया तो अपन ने फिर से इसको फिल किया, और फिल करने के बाद में उन्होंने प्रूफ वगैरह सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में अपन ने फिर से इसको एक साथ सबमिट कर देना है। सो गाइस अपन फिर से अपने प्रूफ का नेम वगैरह डाल लेते हैं, और डालने के बाद में आपको मैं लाइव दिखाऊंगा जस्ट नो पे, कुछ ही मिनटों में आपको सिंबल एक्सेप्ट करा के दिखाऊंगा। अपन को एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी है और दोनों को सबमिट पे क्लिक कर देना है एक साथ में। सो गाइस हमारे दो, एक में चला गया और एक में दिक्कत आ गई, सो अपन को दोबारा से वही फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आप लाइव देखेंगे अपन के दोनों टैब सबमिट हो चुके हैं, सो अपन को वेट करना है कुछ ही देर का। 4:38 हो चुके हैं, आप लाइव देख सकते हैं टाइमिंग। सो 4:38 पे ये नेम जस्ट नो पे एस्केप हो चुका है। सो गाइस आप लाइव देखेंगे ये हमारा अकाउंट रिएक्टर नेम अकाउंट रिएक्टर यूनिक नेम बन चुका है। सो गाइस अगर आपको कोई किसी भी तरह का नेम एस्केप कराना है तो मेरी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ कॉन्टेक्ट कर लेना। सो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आप लाइव देखेंगे ये अकाउंट को ऐप भी पे अपन अपडेट कर देंगे, अपडेट नेम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे अपडेट नेम का ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, रिएक्टर नेम अपन का एस्केप हो चुका है, सो अपन को अपडेट नेम कर देना है। सो अपन जैसे ही अपडेट नेम पे क्लिक करते हैं गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक करेंगे, गो टू न्यूज़ फीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लाइव देख सकते हैं ये वही अकाउंट था और उस पर सिंबल एस्केप हो चुका है। सो अपन को देवराज करके ये सिंबल एस्केप करा दिया अपन ने। सो अपन को ये ऐप भी लाइट में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है और ऑफिशियल ऐप भी में और ज़्यादा बिंदास लगेगा। सो गाइस यूनिक नेम बहुत अच्छा लगता है आईडी के ऊपर, यूनिक नेम देखने के बाद में आईडी ऐसी लगती है एकदम, मतलब वीआईपी टाइप आईडी लगती है। सो अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, उसका पिक आपको मैं थंबनेल पे दिखा दूँगा किस तरह से ये मॉडिफाई की मैंने आईडी और कितनी प्यारी आईडी लगी है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड जितना ज़्यादा हो सके